हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है वो साइडवेज मोमेंटम ले रखा है और ऑल्ट कॉइन सारे के सारे जो है वो आपको ग्रीन दिख रहे होंगे। तो देखेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है ऑल्ट कॉइन मार्केट को लेकर एंड बिटकॉइन एंड इथेरियम को लेकर। दोस्तों तो बने रहेगा वीडियो का अंत तक दोस्तों, एंड अगर इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा आप ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। एंड क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसके सारे डिटेल्स वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे, एंड साथ ही साथ आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाके जितने भी डिटेल्स ऑफिशियल लिंक है, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर टेलीग्राम के हो, वो सभी वहां पे बने हुए हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आप जूम मीटिंग में इंटरेस्टेड हो मेरे साथ तो उसके भी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। याद रखिएगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। जी हाँ, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे पिछले 24 आवर्स में हमने काफी ऊपर यानी 20 EMA के आसपास रीटेस्ट करने की कोशिश किया, फिर नीचे भी हम चले गए थे काफी हद तक, एंड फिर हम वापस से जो क्लोजर बनाए वो ग्रीन कैंडल क्लोज किए, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसी जोन के आसपास क्लोज किए जहां पे हमारा कैंडल स्टार्ट हुआ था, ऑल्दो ये ग्रीन है। आज की बात करें तो आज हमने ऑलरेडी 10 EMA को रीटेस्ट कर लिया है, एंड अभी हम नीचे जा रहे हैं फिलहाल, एंड जो अभी करेंट पोजिशन बना हुआ है वो 60.71 का, ये एग्जैक्ट वही बाउंड्री है जहां पे हमारा येलो लाइन एग्जिस्ट करता है। दोस्तों मैगडी और आरएसआई की बात कर लूँ तो वो पैरेलल मोमेंटम बना के रखा है, इसलिए साइडवेज मोमेंटम जो है वो जारी है। वहीं 1 आवर की चार्ट की बात करूँ तो 1 आवर के चार्ट के बेसिस पर अगर मैं बताऊँ तो 10 EMA जो है वो येलो लाइन के ऊपर है, और मैंने आपको कल कहा था वीडियो में कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो हमें थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और इस मोमेंट में जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों, उस वक्त 10 EMA बिल्कुल येलो लाइन के ठीक ऊपर है, और हम देखेंगे कि 10 EMA को अभी कंटिन्यूसली पिछले 2 आवर्स से ये रीटेस्ट कर रहा है, एंड ऑल्दो पिछले कुछ आवर्स पहले से फेलियर मिला था, बट अभी जो है इसको अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है, एंड आने वाले ड्यूरेशन में हो सकता है कि हम 1 आवर के चार्ट पे वापस से 20 EMA को रीटेस्ट करें। एंड अगर वर्स्ट सिनेरियो की बात करूँ तो हो सकता है 61 तक आज भी हमें डोमिनेंस लेवल पे जाते हुए दिख जाए, लेकिन अल्टीमेटली फिर हमें नीचे ही आना है, ये याद रखना। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन जो है, ऐसा तो मैं डेली पिछले 3 दिनों से बोल रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा रेड कैंडल क्लोज होगा नीचे, लेकिन हो नहीं रहा, लेकिन आज हम बिल्कुल ही बाउंड्री पे हैं और हमारे जो स्टार्टिंग आवर्स हैं उसी में हम ऑलरेडी बाउंड्री पे हैं। तो डिसीजन तो इसे लेना है कि अल्टीमेटली इसके नीचे जाना है या नहीं, तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो हाई प्रोबेबिलिटी के नीचे जाएगी। 4 आवर की कैंडल्स की बात करूं तो अभी हमें नीचे जाते हुए क्लियरली दिख रहा है, आरएसआई भी नीचे जा रहा है, एंड मैकडी भी हमारा जो है रेड बना हुआ है, ऑल्दो बहुत ही लेस मोमेंटम है इसलिए निग्लिजिबल है, लेकिन जो ओवरऑल जो कहेंगे चार्ट एनालिसिस में पैटर्न देख के तो वो हम कहेंगे कि ये नीचे जा रहा है। एंड एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ट्रायंगल बन रहा है काफी महीनों से दोस्तों, उसमें भी अभी रिसेंटली जो हम अभी करेंट मूव दिखा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो भी एक तरीके से एक सेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। तो और उसका जो हम लोअर लिमिट है उसको अभी अभी हम जस्ट रीटेस्ट करके 4 आवर के कैंडल्स पे हम ऊपर जा रहे हैं। अगर मैं 1 आवर के कैंडल्स पे अगर दिखाऊं तो ज्यादा क्लियर होगा, 1 आवर के कैंडल्स पे हमने फिर से बाउंस बैक लिया इस ट्रायंगल से, एंड ऑब्वियसली हमें 10 EMA 20 EMA जो है 10 EMA एंड 20 EMA जो है हमें रेजिस्टेंस देगा। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें भी हम जो टेस्ट बार बार कर रहे हैं नीचे के लेवल को टेस्ट, बार बार डिसेंडिंग ट्रायंगल की हम नीचे के लोअर बॉटम को टेस्ट कर रहे हैं, एंड जिस हिसाब से हम अपर जो हमारा व्हाइट लाइन से डिनोटेड ट्रायंगल है उसका हम बॉटम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम में हम इस लोअर अगर टाइम फ्रेम की बात करूं तो इस ट्रायंगल को भी हम टेस्ट कर रहे हैं, एंड दोनों ही ट्रायंगल की पॉसिबिलिटीज नीचे की तरफ ब्रेकआउट का ज्यादा बनता है, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल प्रोबेबिलिटी वाइज मैक्सिमम टाइम नीचे की तरफ क्लोज होता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि 200 EMA जो है अभी भी हमें 1 आवर के चार्ट पे 61 के आसपास है, इसलिए मैंने आपको कहा कि वर्स्ट सिनेरियो में आपको दिख सकता है 61 के लेवल के आसपास भी क्लोज होते हुए। तो दोस्तों जब भी हमें कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट मिल जाएगा इस ट्रायंगल से, या फिर कहें इस लॉन्ग टर्म जो रेजिस्टेंस जोन, लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट जोन बनाया है इससे, उस टाइम में मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट जरूर करूंगा दोस्तों। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, और याद रखना कि जब जब ये नीचे की तरफ जाएगा तब तक ऑल्टकॉइन हमारा ग्रोथ दिखाते रहेगा, एंड जब जब ये साइडवेज मोमेंटम लेगा तब भी हमारा ऑल्टकॉइन ठीक ठाक ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें ऑल्टकॉइन में टेम्पररी डाउनवर्ड मोमेंटम दिख सकता है। जो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है नीचे जाने की तो वो अभी जारी है, एंड वो मैंने आपको बता दिया कि आज का जो कैंडल है वो बिल्कुल हम बाउंड्री लाइन पे ही ओपन किए हैं। तो आने वाले जो कुछ आवर्स है यानी आने वाले जो कपल्स ऑफ आवर है उसमें हमें डिसीजन लेना है कि हम नीचे जाएंगे या नहीं। एंड 20 EMA अभी भी 20 EMA जो है अभी भी 61.24 के आसपास बना हुआ है, तो वर्स्ट सिनेरियो में हम वहां तक भी जा सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट पे। बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट पे कल मैंने आपको कहा था कि हमें रीटेस्ट करना चाहिए नीचे का लेवल, हमने रीटेस्ट किया लेकिन काफी ऊपर से ही हम पहले आगे हैं, मतलब रिटर्न मार दिए हैं हमने, एग्जैक्ट इस लाइन को टच नहीं किया। तो क्या इसे रीटेस्ट समझा जाए? तो जी हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन इस सब में एक चीज जो है वो डराने, इस सब में जो एक चीज है वो इम्पोर्टेंट रखता है और वो है वॉल्यूम, जो कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ
कि हमारा जो वॉल्यूम अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ब्रेकआउट की कंपैरिजन में, तो इस अभी जो करेंटली ब्रेकआउट दिख रहा है हमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं, तो क्या ये फेक आउट होगा? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक कंफर्म ना हो चीजें तब तक हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑल दो जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ जरूर बना हुआ है, तो हम वापस से हो सकता है इस डॉटेड लाइन को रिटेस्ट करें, और डॉटेड लाइन कहाँ पे है हमारा 53,600 के आसपास है, तो आने वाले आवर्स या आने वाले दिनों में हमें इस लेवल तक भी दिख सकता है बिटकॉइन वापस से आते हुए। लेकिन जो नेक्स्ट टारगेट होगा बिटकॉइन का अगर ऊपर जाता है तो वो क्या हो सकता है? अगर मैं इस डॉटेड लाइन का ऊपर वाला जोन की बात करूं तो ऑलरेडी $1,00,000 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन क्या $1,00,000 पहुंच जाएगा आने वाले 1 मंथ के अंदर? तो ऐसा श्योर शॉट नहीं है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो है वो 60,000 से लेकर 61,000 का लेवल है। अगर ये यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता विद वॉल्यूम, देन ओनली वी कैन से कि यस ये जो है कंटिन्यू राइड करेगा ऊपर की तरफ। अदरवाइज अगर ये टेम्परेली ऊपर जाता भी है तो 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में इसको बहुत हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड ड्यूरिंग दैट अगर वहां से रिवर्सल मिलता है तो वापस से हम 50,000 के लेवल के आसपास देख सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि बिटकॉइन जो है वो अभी बुलिश मोड पे है 1 आवर के चार्ट पे, एंड हम कंटिन्यूसली ईएमए बैंड के ऊपर ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, एंड 200 ईएमए जो है हमारा 56,300 के आसपास चल रहा है, एंड वर्स्ट सिनेरियो में हम यहाँ पे भी जा सकते हैं किसी आवर में। आरएसआई का मोमेंटम जो है नीचे की तरफ दिख रहा है मुझे जाते हुए, मैकडी हमारा नीचे है और सकोस्टिक आरएसआई भी पैरेलल मोमेंटम लिया हुआ है, नीचे की तरफ ही मेंटेन किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम आने वाले जो कुछ आवर्स हैं उसमें हम इस लेवल को वापस से रिटेस्ट कर सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली 57,700 के आसपास। वहीं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं, 4 आवर के कैंडल्स पे हमें जो मेजर सपोर्ट मिल रहा है वो 57,200 के आसपास मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस रेंज को रिटेस्ट कर सकते हैं आज के दिन। तो वनडे के चार्ट की बात करूं, वनडे के चार्ट पे मैंने आपको बता ही रखा है कि अगर ये किसी भी आवर में नीचे जाता तो हमें जो मेजर सपोर्ट मिलेगा वो लगभग 56,500 के आसपास मिल सकता है, एंड वहीं अपर जोन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, लगभग 60,000 से लेकर 61,000 के बीच में हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे कुछ यहाँ पे मिला था लास्ट टाइम ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था लेकिन थोड़ा ऊपर जाके फिर डाउन चला गया था, कुछ वैसा ही हमें यहाँ पे मिल सकता है अप्रॉक्सिमेटली 61,000 के आसपास। तो ये हो गया बिटकॉइन आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम कह रहा है वो काफी बुलिश दिखा रहा है पैटर्न, तो नो डाउट हम आने वाले कुछ आवर्स बैक टू बैक हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे डाउन जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 57,000 के आसपास का दोस्तों, एंड वहां से हमें बाउंस बैक करते हुए दिख सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी। अब चलते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल क्या हुआ, अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखाना चाहूंगा कि कल मैंने आपको कहा था कि हो सकता है 20 EMA हम फेल करें एंड वापस से हम रीटेस्ट करते हुए ऊपर जाएं, कुछ वैसा ही हुआ, एंड आप देखोगे कि यहाँ पे काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग कह सकते हैं, बुलिश फ्लैग बनाया है, एंड अगर इसकी बात करूं, इसके टारगेट्स की बात करूं इस हिसाब से, तो ये जब ब्रेकआउट होगा ये बुलिश जो पैटर्न, ये जो बुलिश फ्लैग है वो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है एज पर जो हमारा चार्ट पैटर्न कहता है, और उसका जो टारगेट है वो लगभग 3.0325 के आसपास बनता है बीटीसी के चार्ट पे, एंड जो 1 आवर के चार्ट पे है वो एक्सपेक्टेड मूव था, मैंने कहा था कि ये नीचे जा सकता है 1 आवर के चार्ट पे, एंड वही हुआ, एंड उसके बाद हमने वापस से रिटेस्ट किया एंड फिर से हम 20 EMA को ऊपर बने, लेकिन कुछ देर के बाद ही हमें अभी फिलहाल की बात करूं तो अभी 20 EMA को हम रिटेस्ट कंटिन्यूसली कर रहे हैं विद वेरी लेस वॉल्यूम एंड हम डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम 0.031 का लेवल भी रीटेस्ट करें आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ आवर्स में दोस्तों। एंड वही 4 आवर के चार्ट की बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि हम जो है अभी 20 EMA को रीटेस्ट करके अभी तक ऊपर नहीं गए हैं, कल हमने इस लेवल को रीटेस्ट किया एंड वापस से ऊपर चले आए, तो मोस्ट प्रोबेबली हम 20 EMA को रीटेस्ट करने के लिए 4 आवर के चार्ट पे भी हम मेंटेन करें, एंड उसके बाद ही अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वनडे के चार्ट पे सेम चीज है, वनडे के चार्ट पे अभी हम 20 EMA को जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है उसको बैक टू बैक रीटेस्ट कर रहे हैं, एंड ये जितनी बार रीटेस्ट करेगा उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, एंड अल्टीमेटली मुझे जो है वनडे के चार्ट पे काफी बुलिश नजर आ रहा है, तो आने वाले जो कुछ दिन है उसमें हमें इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे बहुत तेजी से ग्रोथ करते हुए दिखेगा। नेक्स्ट टारगेट जो है वो मैंने आपको बता दिया 0.0325 बीटीसी के ग्राफ पे हो सकता है। इथेरियम के यूएसडी ग्राफ पे अगर मैं बात करूं तो इथेरियम के यूएसडी ग्राफ पे आपको दिखेगा कि मैकडी जो है हमारा ग्रीन हो चुका है, आरएसआई हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो हम इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं इस येलो लाइन को उसको हम बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं, एंड अगर हम इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अप्रॉक्सिमेटली जो हो सकता है वो हो सकता है लगभग $2,560 के आसपास, यानी कह सकते हो लगभग $2,600 के आसपास दिख सकता है इथेरियम आने वाले दिनों में हमें, एक बार हम इस पैटर्न से ब्रेकआउट करें, और ये पैटर्न मैंने आपको आपके लिए ड्रॉ किया है, एंड अगर आप देखोगे इसमें भी लॉन्ग टर्म जो एक चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके हम ऊपर वाले वेस को कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, स्पेशली 2021 ऑनवर्ड्स, एंड अभी जो है हम ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन को ले चुके हैं, एंड ये जो फॉर्मेशन है अभी बन ही रहा है, एंड ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो इसका जो टारगेट है वो मैंने बता दिया डब्ल्यू पैटर्न का लगभग 2600 हो सकता है, या तो कह लो डब्ल्यू पैटर्न या फिर कह लो एसेंडिंग ट्रायंगल का जो टारगेट है वो
वो जो है वो 2600 है। अब मैं बात कर लूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम की, तो 4 आवर के चार्ट पे आपको ले जाना चाहूंगा। 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि हम जो है अभी कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहे हैं इसी इंपॉर्टेंट जोन को, एंड हमारा आरएसआई जो है ऊपर का जोन रीटेस्ट करके अभी थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम लिया, और मेरा मानना है कि हो सकता है वर्स्ट सिनेरियो में हम 1780 या फिर कह सकते हो $1800 का लेवल रीटेस्ट करके फिर बाउंस बैक करें ऊपर की तरफ दोस्तों। एंड एक बार जब हम इस जोन से बाहर निकलेंगे, यानी कि लगभग लगभग $1886 के ऊपर हम कैंडल क्लोज करते हैं 4 आवर का, देन वी एक्सपेक्ट जो $2600 का जो टारगेट है इथेरियम का वो हमें आने वाले दिनों में दिख सकता है। वही 1 आवर के चार्ट की बात करूँ तो 1 आवर के चार्ट पे अभी 20 MA का सपोर्ट लेके हम कंटिन्यूसली बैक टू बैक ऊपर जा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जो है RSI डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है, एंड MACD जो है नेगलिजिबल बना हुआ है ड्यू टू लेस वॉल्यूम, क्योंकि इथेरियम में भी जो है वॉल्यूम ज्यादा नहीं आ रहा, तो इट मोस्ट प्रोबेबली कि हम इसको रीटेस्ट करते रहें और साइडवेज मोमेंटम लेते हुए इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करें आने वाले 24 आवर्स में दोस्तों। तो गाइज ये हो गया इथेरियम ऑल्टकॉइन एंड ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में। अगर इसके ऊपर कोई भी अपडेट होता है तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे दूंगा। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे वेबसाइट CryptoInsiderTA.blogspot.com पे जाओगे, अबाउट मी सेक्शन में जाके वहाँ पे जितने भी मेरे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स हैं चाहे वो ट्विटर हो फेसबुक हो या टेलीग्राम हो, उन सबके लिंक बने हुए हैं, इन सबको ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑब्वियसली। एंड रिकमेंडेड साइट एंड टूल्स जो भी मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को वो सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ है, इंक्लूडिंग एक्सचेंजेस, इंक्लूडिंग जो हमारा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है, इंक्लूडिंग कैसे मैनेज करना हमारा पोर्टफोलियो, एंड इसके अलावा अगर हार्डवेयर वॉलेट यूज करना तो कौन सा हार्डवेयर वॉलेट प्रेफरेबल है मेरे हिसाब से दोस्तों, वो सारा मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखा, और विद जो है रेफरल कोड या फिर रेफरल लिंक के थ्रू दे रखा, तो आप अगर ये रेफरल कोड या रेफरल लिंक यूज करते हो तो जो भी बेनिफिट्स मेंशन है वो सारा कुछ लाइफ टाइम आपके अकाउंट में मिलेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि विजिट जरूर करो, और मेक श्योर कीजिएगा कि बाइनेंस पे अकाउंट ना हो तो बाइनेंस पे अकाउंट जरूर बनाना, और बाइनेंस यूज करते हो तो वजीर एक्स भी डेफिनेटली यूज करना, क्योंकि आपस में आप इन दोनों में फ्री में कुछ पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों अब बिना देरी किए ले लेता हूँ कल के वीडियो में आए हुए क्वेश्चंस। तो अगर मैं वीडियो पे कमेंट्स लोड करूँ तो टोटल जो है बहुत ही कम कमेंट्स, 12 ओनली यूनिक कमेंट्स कल के वीडियो में आए हैं। गाइज अगर आपके पास भी कोई कमेंट्स या कोई क्वेश्चन है सुझाव है वो आप टाइप कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली आपका कमेंट सेलेक्ट हो। दोस्तों सैम लिखते हैं CHJ एंड सेलर का एनालिसिस। ओके तो मिस्टर सैम के कमेंट के हिसाब से सबसे पहले ले लेते हैं चिलीज का, एंड चिलीज की बात करूं CHJ की, तो CHJ जो है वो आपका लगभग लगभग 51 सेंट के आसपास बना हुआ, ये वन ऑफ द कॉइन है जो अभी रिसेंटली बहुत तेजी से पंप हुआ था। एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो लगभग लगभग इसका अच्छा खासा सर्कुलेटिंग सप्लाई है, एंड जो अभी का करंट है वो कंपेरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू जो ऑल टाइम इसका जो अवेलेबल सप्लाई है। तो आने वाले टाइम में क्या कर सकता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी हिस्ट्री की, ऑल टाइम हाई जो है वो इसका अभी रिसेंटली 87 सेंट तक चला गया था, एंड इसका जो लो है वो ऑब्वियसली मार्च लगभग September 28, 2019 में आया था। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम की बात करूँ तो ये ऑल टाइम हाई बना रहा है हर ग्राफ पे, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे फिर USD ग्राफ हो। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट की जो रेटिंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये जो प्रोजेक्ट काउंट होता है स्टेबल आउटलुक है, यानी कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट में काउंट होता है, लेकिन जिस हिसाब से ऑब्वियसली ये स्पोर्ट्स टोकन है तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में इसको काउंट किया जाता है, तो जिस हिसाब का जो इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है एंड उस हिसाब से दोस्तों जिस लेवल पे ये अभी बना हुआ है, एंड अभी अगर मैं चार्ट वाइज आपको बताऊं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी जो इसमें बूम आया है वो बहुत ज्यादा हाइप बन गया था। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप अगर लॉस में हो तो आपको मैं कहूंगा सेल मत करो, अगर आपके पास होल्डिंग नहीं है तो आपको एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ओवरऑल वन डे के चार्ट पे तो RSI जो है वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, 20 MA तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हम रीटेस्ट कर रहे हैं 852 सतोसी के आसपास, तो ये कहाँ तक जा सकता है। अगर मैं इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूँ, इसका जो लास्ट लो बॉटम था, अगर इसका लास्ट बॉटम हम ये समझे तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ इसका टॉप की, एंड मैं अगर आपको विजिबिलिटी नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, तो इसका जो गोल्डन रेशियो है वो लगभग 665 सतोसी के आसपास है। तो क्या ये 665 सतोसी रीटेस्ट कर सकता है, तो एज पर जो चार्ट एनालिसिस लग रहा है वनडे के चार्ट पे, जिस हिसाब से हम MACD में मोमेंटम बना रखे हैं, RSI नीचे जा रहा है, उस हिसाब से क्वाइट पॉसिबल बिल्कुल जाएगा। तो अगर न्यू एंट्री लेना है आपको तो आप इस लेवल पे एंट्री ले सकते हो 662 के आसपास, लेकिन क्या अभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 20 MA हम रीटेस्ट कर रहे हैं, तो ले सकते हो लेकिन हो सकता है कुछ दिन आपको थोड़ा बहुत लॉस भी देखने को मिले, बट दैट्स फाइन। ओवरऑल जो है यहाँ से जब अगला कर्व लेगा ऊपर की तरफ तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट गेन कर सकते हो चिलीज से, लेकिन अभी मेरा मानना है कि कम से कम ये 660 जो लेवल है 667 के आसपास, यानी कह लो 670 के आसपास जो है सेफ साइड के लिए वो जो है वो लेवल है, तो आप यहाँ पे इसके आसपास एंट्री ले सकते हो अगर एंट्री लेना चाहते हो चिलीज में। एंड अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुकिंग अगर अभी तक नहीं किया है
तो और अगर 667 के आसपास जाता है तो भी आप प्रॉफिट में रहते हो, तो आई वुड से कि स्टे करो, क्योंकि यहाँ से फिर आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। इसका क्या हो सकता है, वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो ये ऑल टाइम हाई बना रहा है, ये जितने भी चार्ट अवेलेबल है इसके ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो इसका एग्जैक्ट एनालिसिस एज पर टीए नहीं हो सकता है कि क्या हो सकता है, एग्जैक्ट एनालिसिस एज पर टीए नहीं हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका न्यू ऑल टाइम हाई क्यों होगा, क्या होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने लेवल से काफी ऊपर आ गया है एंड इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन जो एज पर जो इसका डिमांड है ओवरऑल जो फंडामेंटल कहता है, ये मेरा मानना है कि यहाँ से भी ये जो है आराम से 10x कर सकता है इन दिस बुल रन, इन दिस बुल रन। लेकिन ये याद रखना कि जिस हिसाब का सर्कुलेटिंग सप्लाई है उस हिसाब से जब ये एक बार $1 से ऊपर आ जाएगा देन इट विल बिकम मोर रिस्की, एंड अभी भी मैं कहूंगा कम रिस्क में काउंट करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसका डिमांड है, जिस हिसाब का इसका हाइप बना है, तो मैं कम रिस्क में काउंट करूंगा, और 10x आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डॉलर। एंड डेफिनेटली जो मैं बात कर रहा हूँ टारगेट की, बाय द एंड ऑफ दिस बुल रन या बिफोर एंड ऑफ दिस बुल रन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से भी आप 10x एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डॉलर। बट बिटकॉइन या फिर यूएसडी ग्राफ पे इसका एग्जैक्ट टारगेट क्या हो सकता है तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये न्यू प्रोजेक्ट है एंड इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है। एंड अगर मैं इसका प्रीवियस टारगेट के बेसिस पे अगर मैं आपको ड्रॉ करने की कोशिश भी करूं, तो उस हिसाब से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा, तो वो ऑलरेडी जो है मेरे ख्याल से इसके सारे टारगेट्स रीच कर चुका है। एंड आप देखोगे कि अभी जो हम रिसेंट पीक बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर जा चुके हैं, राइट। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा मानना है कि अभी इसका शॉर्ट टर्म में या फिर मिड टर्म में क्या हो सकता है प्राइस एनालिसिस, वो सिर्फ फंडामेंटल ही डिसाइड कर सकता है मार्केट में किस हिसाब का इसकी जो डिमांड है वो बता सकता है, क्योंकि ये न्यू कॉइन है और उसका चार्ट पैटर्न ज्यादा अवेलेबल नहीं है पास्ट के ईयर्स के, तो इससे ज्यादा इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है एंड प्रॉफिट कहाँ पे करना है, मैंने आपको ये भी बता दिया, डॉलर के टर्म में $5 तक जा सकता है बाय द एंड ऑफ द बुल रन। लेकिन ये याद रखना उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा, एंड चाहे ये अगले 2 महीने में उस डॉलर उस चाहिए अगले 2 महीने में ही उस रेंज में पहुंच जाए, लेकिन जिस हिसाब का इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है और जो आने वाले टाइम में इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है उस हिसाब से $5 बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, ये याद रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके सेलर का। सेलर का आपने पूछा है, सेलर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं बार बार आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, और ये जब से मैंने रिकमेंड करना शुरू किया इसमें अच्छा खासा ऑलरेडी प्रॉफिट आप लोग को मिल चुका है। एंड आप देखोगे वीकली चार्ट पे जो है ये ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो अभी तो इसमें जर्नी शुरू हुआ है। एंड जहां तक टारगेट की बात करूँ तो टारगेट क्या हो सकता है, मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि ये मैटिक को फॉलो करेगा, जैसे जैसे मैटिक ग्रो करेगा वैसे वैसे उसके पीछे पीछे ये भी ग्रो करेगा, क्योंकि काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है। एंड हाइप जो है ये थ्रू आउट द बुल रन बना के रखेगा, एंड जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा लगभग लगभग मेरा मानना है इस बुल रन के एंड तक वो हो सकता है लगभग लगभग 1000 सतोसी, 1000 सतोसी अभी भी ये जा सकता है, लेकिन जो मेजर अभी हम रीटेस्ट कर रहे हैं लेवल वो लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं 1.61 का, एंड 1.61 हमारा पहला ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट में पहला ही लेवल है, तो अभी हम इसको शायद कुछ वीक रीटेस्ट करें और उसको रीटेस्ट करने के बाद जो है हम अपवर्ड मोमेंटम शो करेंगे, एंड जो मेजर टारगेट होगा मेजर रेजिस्टेंस वो होगा लगभग 395 सतोसी के आसपास। वही वनडे के चार्ट की बात करूँ, वनडे के चार्ट की ऊपर अगर आप देखोगे कि अभी जो है हमें डाउनवर्ड मोमेंटम दिख रहा है, स्पेशली जो RSI जो है वो नीचे की तरफ दिख रहा है एंड MACD भी हमें नीचे जाते हुए दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम 20 MA को आने वाले टाइम में रीटेस्ट कर सकते हैं कुछ दिनों में, एंड अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज होता है तो हम लगभग लगभग जो है 130 सतोसी के आसपास का लेवल रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकते हैं, एंड उसके बाद फर्दर हम अपवर्ड मोमेंटम शो कर सकते हैं। जो मैंने टारगेट की बात की है वो सारा टारगेट जो है 20 MA के लेवल के आसपास ही रीटेस्ट करके बाउंस बैक करते हुए दिखेगा आने वाले दिनों में, वनडे के चार्ट पे भी आपको, तो हो सकता है ये एग्जैक्ट इस लेवल 123 पे ना आए, इसलिए मैंने आपको बोला कि हो सकता है 131 के आसपास हमें देखने को मिला, एंड उससे पहले ही उसके बाद हम रिटर्न करते हुए दिख जाए। तो होपफुली सर आपको आपका आंसर मिल गया सेलर का, एंड चिलीज क्या कर सकता है आने वाले दिनों में। आपके भी कोई क्वेश्चंस है या डाउट है या फिर कोई सुझाव है तो जरूर टाइप करके नीचे लिखना कमेंट बॉक्स में, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर तो करना बनता है बहुत, साथ साथ ही साथ इस चैनल पर नए हो तो फटाफट लाइक एंड शेयर के अलावा दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लो और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।